हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, आपकी बुक का सेकंड चैप्टर ऑफ द सेशन ऑफ द सीजन, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। इसमें हम सीखेंगे गुडविल क्या होती है, इसका नेचर क्या है, इसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखेंगे ग्रेजुअली। आइए, सबसे पहला सवाल, सबसे फर्स्ट, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज गुडविल। व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या होती है? गुडविल क्या है? रेप्यूटेशन और फेमसनेस ऑफ अ पर्सन और बिजनेस। बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा है आपके लिए, रेप्यूटेशन और अ फेमसनेस ऑफ अ पर्सन ऑफ और बिजनेस। किसी भी पर्सन, किसी भी बिजनेस की रेप्यूटेशन, उसका मान सम्मान, उसकी इज्जत और उसकी फेमस, उसकी प्रसिद्धि, उसकी फेमसनेस, लोग वो मार्केट में कितना मशहूर, कितना फेमस, कितना उसका नेम और फेम चलता है, यही गुडविल है। ठीक है, बहुत आसान से तो बता दिया मैंने गुडविल क्या होती है। आगे बढ़ते हैं तो आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में बहुत आराम से इसको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो जरूर से अच्छे समझ लें और पढ़ लें। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ये वो फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, यानी कि वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करते हैं, उस पर इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं। बहुत सारे, मैंने सिर्फ पांच यहां पर मेंशन किए, और भी हो सकते हैं। पहला है लोकेशन ऑफ बिजनेस। एक कोई भी बिजनेस किस जगह लोकेटेड है, उसकी लोकेलिटी क्या है बिजनेस की, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है यहां पर। किसी रूरल एरिया में है, किसी अर्बन एरिया में है, किसी रेजिडेंशियल एरिया में है, किसी खाली जगह पर है, किसी हाईवे पर है, किसी मार्केट एरिया में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन क्या है बिजनेस की, बिजनेस की जगह लोकेटेड है, ऐसी जगह लोकेटेड है जहां पर मार्केट, जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, वहां पर है तो ऑब्वियसली सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो गुडविल ज्यादा होगी। तो क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन पे जो इफेक्ट है वो प्रॉफिट से ही आता है, तो प्रॉफिट का ज्यादा होना ही गुडविल को बढ़ाता है। प्रॉफिट्स कम होंगे, गुडविल कम होगी। अब प्रॉफिट किस पर डिपेंड करते हैं बेटा? सेल्स पर। सेल्स यानी इनकम, जो इनकम ज्यादा होगी तो फिर प्रॉफिट अपने आप ज्यादा होंगे, तो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्या है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी आप प्रोडक्ट एंड सर्विस दे रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, उस प्रोडक्ट की, उस सेल्स की, उस सर्विस की क्या क्वालिटी है, क्या आप उसको मेंटेन रख पा रहे, या इसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है और उससे ज्यादा क्वालिटी उसकी अच्छी है, तो आपकी फिर कोई गुडविल नहीं होगी, कोई आपकी सेल्स इंक्रीमेंट नहीं होगी, प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होंगे, तो गुडविल की वैल्यू भी कम होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो क्वालिटी भी अपना एक इंपॉर्टेंस, अपनी इंपॉर्टेंस रखती है यहां पर। नेक्स्ट क्या है? बिजनेस रिस्क। कोई बिजनेस अगर हाई रिस्क पर चल रहा है तो गुडविल उतनी लो होगी, उतनी कम होगी। अगर बिजनेस रिस्क कम से कम है, न्यूट्रल है, लो है, तो गुडविल वैल्यूएशन ज्यादा होगी। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, शॉर्ट टर्म बिजनेस है, पार्टनरशिप है, कैसा बिजनेस है, वो भी डिपेंड करता है, ट्रेडिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, तो बहुत से फैक्टर्स हैं बिजनेस के अंदर जो डिपेंड करते हैं नेचर को, और नेचर की वजह से भी बिजनेस गुडविल अफेक्ट होती है। लास्ट है मैनेजमेंट एफिशिएंसी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, क्योंकि मैनेजमेंट का बड़ा रोल है इसके अंदर, मैनेजमेंट ही डिसीजन लेता है, तो प्रॉफिट्स अगर ज्यादा हैं, हायर हैं, तो उसमें मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा रोल होता है, तो मैनेजमेंट की यहाँ पर एफिशिएंसी भी देखी जाएगी, वो कितना एफिशिएंट है। अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है, कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में किसी भी काम को कर लेता है, डिसीजन को कर लेता है, ऑफर को एक्सेप्ट करता है जो हायर इनकम देने वाले हैं और लोअर कॉस्ट वाले हैं, तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंस है, जो बिजनेस को बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल करते हैं। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा है, एफिशिएंट है, तो प्रॉफिट हाइयर होंगे, अब प्रॉफिट हाई होंगे तो गुडविल की वैल्यूएशन ऑब्वियसली अफेक्ट होगी और वो हाई होगी। ठीक है,
इसके अलावा नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या जरूरत पड़ती है हमें गुडविल को वैल्यू करने की, क्या नीड है हमें, क्या हमें लोड पड़ी है कि हम उसको गुडविल की वैल्यूएशन करें, गुडविल को कैलकुलेट करें, कितनी गुडविल है हमारे बिजनेस की, क्या वैल्यूएशन है, कितना अमाउंट बनता है उसका, क्यों करें। तो ये केसेस हैं। पहला है चेंज इन पीएसआर, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके चेंज होने में गुडविल की जो वैल्यू को हम निकालते हैं किस केस में, पहला केस क्या है, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आप जो पार्टनर्स हैं उनके बीच की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अगर वो चेंज हो रही है, उसमें कोई भी चेंजेस आ रहे हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं और उस पर उसके बेस पर हम लोग उसको कॉम्पनसेट करते हैं अदर पार्ट। मैं समझाऊंगा जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद वाला, तो ये वो चैप्टर वही है, उस चैप्टर का नाम ही यही है, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वहां आपको अच्छे समझ में आएगा कि गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं और क्यों जरूरी है। तो क्या है, अगर प्रॉफिट की रेशियो चेंज हो रही है तो भी हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। सेकंड क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, आपका फोर्थ चैप्टर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट हो रहा है तो उसके एडमिशन पर भी हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि जो गुडविल हम लोगों ने इतनी मेहनत से मिलकर कमाई है, वो नया पार्टनर आ रहा है तो उससे हम उसका शेयर भी हम उससे मांगे गुडविल का, तो इसीलिए हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं कि आज की डेट में हमारी गुडविल की वैल्यू क्या है, उसमें से जो उसका शेयर बनता है वो लेकर आएगा, क्योंकि इसमें हमारा भी खून पसीना मिला हुआ है, और उसका मैसेज एडमिट कर लें अपनी पार्टनरशिप में, ऐसे उसको एंजॉयमेंट दे दें, बेनिफिट दे दें अपनी पार्टनरशिप के, इतनी कमाई हुई, इतनी मेहनत से खड़ी की पार्टनरशिप, तो इसीलिए उससे हम उसके बेनिफिट्स के लिए और उसको भी एंजॉयमेंट चाहिए इस बेनिफिट के चाहिए, तो उसको भी उस गुडविल का शेयर अदा करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसमें क्या लोड पड़ी है हमें, जो पार्टनर जा रहा है उसने इतनी मेहनत से कमाई हुई खड़ी करी है पार्टनरशिप, इतनी मेहनत से काम किया है, लगन से काम किया है, तो जाहिर सी बात है गुडविल में कुछ हिस्सा होगा उसका, तो उसका जो शेयर बनता है गुडविल में फर्म की उसको दे के भेजेंगे, जब वो जा रहा है तो अपना शेयर, जब आया था तो लेके आया था, जा रहा है तो लेके जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि इतनी वैल्यू है और उसका इतना शेयर बनता है इस गुडविल में, ये लो भाई जाओ, तो इसीलिए वैल्यूएशन हम करते हैं। लास्ट क्या, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, डेथ ऑफ अ पार्टनर, सेम रिटायरमेंट जैसा ही है, रिटायरमेंट हो गई, बंदा जा रहा है तो उसका शेयर निकालना है, अगर किसी बंदे की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, किसी एक्सीडेंट में, नेचुरल डेथ हो गई, कैसे भी डेथ हो जाए पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर रहते हुए, तो उसका जो गुडविल का शेयर बनता है वो उसके रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाएगा, ठीक है जी। लास्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अमलगमेशन ऑफ फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म जो है वो अमलगमेट हो रही है, मीन्स वो दो पार्टनरशिप फर्म एक हो रही है, दो मिलकर एक नई बना रही है, या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी को एब्जॉर्ब कर रही है, ले रही है, तो इन केसेस में भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि वो अब जो दो पार्टनरशिप हम अलग अलग हैं, अब वो एक होने जा रही हैं, तो उनमें से जो गुडविल थी वो अब एलिमिनेट हो जाएंगी, एक गुडविल रहेगी दोनों की, तो उसके लिए भी वैल्यूएशन जरूरी है। लास्ट क्या है, सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर हम किसी पार्टनरशिप फर्म को सेल करने जा रहे हैं तो उसकी करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन चाहिए होती है, ताकि हम सेल करने के लिए उस सेल वैल्यू एक्जैक्टली उससे अपने प्रॉफिट जो अपनी एसेट्स लायबिलिटीज को हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो उसका भी हम सही वैल्यूएशन कर सकें। तो गुडविल भी एक एसेट है, तो इसलिए उसकी वैल्यूएशन भी ज़रूरी है, कन्वर्जन में भी और सेल में भी, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारे पास नेचर ऑफ गुडविल, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नेचर मतलब क्या है, एज पर AS 26, एस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हमारे नॉर्म्स हैं, हमारे गाइडलाइंस हैं जिस पर बेस हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो वो उस 26 जो है एस वो बताता है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ठीक है, इन सब के बारे में बात करता है AS 26, इंटेंजिबल एसेट्स। वो गुडविल के बारे में कहता है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन ड्यू टू विच द एंटरप्राइज अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट पुटिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट करे उनको प्रॉफिट्स हायर एंजॉयमेंट मिलती है, एडवांटेज मिलता है गुडविल का। गुडविल की वैल्यू हाई कैसे होती है, प्रॉफिट से होती है, सेल से होती है, सेल ज्यादा होगी प्रॉफिट ज्यादा होंगे, गुडविल ज्यादा होगी। जब गुडविल बन गई एक बार मार्केट के अंदर, उसका नेम फेम हो गया, तो फिर क्या होगा,
बल्ले बल्ले फिर प्रॉफिट्स और हायर होंगे, गुडविल और हाई होगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट उसको मिलते हैं गुडविल से। सॉरी, यह था हमारा गुडविल का बेसिक। गुडविल क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल क्या है, और माफ कीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल क्या है, नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, एंड नेचर ऑफ गुडविल क्या है। ये हमारे सारे टॉपिक्स थे गुडविल के। गुडविल में क्या क्या आता है और क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल बेस हमने पढ़ लिया है। आगे हमारे कुछ मेथड्स होंगे, हम वो डिस्कस करेंगे मेथड्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थैंक यू।